अच्छा जी, मेरे नजदीक जो जेनेटिक्स और जिनोमिक्स का फर्क है ना, वो ये है कि जेनेटिक्स तो ये है कि आपने किसी भी फिनोटाइप का, किसी डिजीज का या किसी भी करेक्टरिस्टिक्स का, किसी ट्रेट का जो एसोसिएटेड वेरिएंट है, आम तौर पर उसको ढूंढना हम मोलेकुलर जेनेटिक्स के अंदर देखते हैं। जिनोमिक्स का इल्म ये है कि आजकल की जो लेटेस्ट मशीनरी है जो जेनेटिक्स की स्टडी को सपोर्ट करती है, ये सब्जेक्ट जिनोमिक्स का है। जिनोमिक्स जेनेटिक्स से निकला है। जेनेटिक्स की हाई थ्रूपुट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के थ्रू स्टडी को जिनोमिक्स कहते हैं। मसलन आज से 50 साल पहले सेंगर सीक्वेंसिंग नहीं थी, सेंगर सीक्वेंसिंग वाली मशीन भी नहीं थी, उससे पहले जेनेटिक्स चल रही थी, जिनोमिक्स का वजूद ही नहीं आया था। तो दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जिनोमिक्स इज अ कंप्लीट स्टडी ऑफ होल जीनोम। जेनेटिक्स में हम क्या करते थे, हम किसी एक जीन को या उसके वेरिएंट्स को देखते थे, जीनोमिक्स के अंदर हम पूरे जीनोम को देखते हैं। और जब पूरे जीनोम को हमने देखना है तो उसके लिए हमें पूरे जीनोम को स्टडी करना जरूरी है। तो पूरे जीनोम को स्टडी करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर अवेलेबल, इनसे एक नया सब्जेक्ट डेवलप हो गया जीनोमिक्स का, कि हमने पूरे जीनोम को स्टडी करना है और उस जीनोम को स्टडी कैसे करना है। पहले तो उसको सीक्वेंस करेंगे, तो उस सीक्वेंस करने की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी सारी की सारी जीनोमिक्स के अंदर। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जीनोमिक्स के हवाले से। ये जो आपको सामने किताब नजर आ रही है, इसमें जीनोमिक्स स्टडी हुई हुई है, लेकिन सिर्फ एक ही टेक्निक ज्यादातर आपको नजर आ रही है और वो है माइक्रोएरे। माइक्रोएरे को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जीनोमिक्स को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहली बेसिक टेक्निक्स पे जाना चाहिए, जो कि सेंगर सीक्वेंसिंग है या डायरेक्ट सीक्वेंसिंग है। हम आपको इसका प्रिंसिपल बताएंगे, इस ये मशीन बताएंगे, ये मशीन क्या काम कैसे करती है, सीक्वेंस एनालिसिस कैसे करती है, और ये सबसे पहली थोड़ा सा लार्जर सीक्वेंसेस को स्टडी करने के लिए शुरू हुई थी। इस मशीन में हम पूरा जीनोम स्टडी नहीं कर सकते हैं, स्टडी से मुराद पूरा जीनोम सीक्वेंस नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि हम सबसे पहले इस टेक्निक से स्टार्ट करेंगे कि जीनोमिक्स स्टार्ट कहाँ से हुई और सबसे पहले कौन सी टेक्निक्स आई, उनके प्रिंसिपल क्या, उनकी मशीन क्या है और टेक्नोलॉजी कौन सी आई। उसके बाद फर्ज किया होल जीनोम सीक्वेंसिंग आ गई, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहते हैं जीनोमिक्स के अंदर। उसके अंदर आपकी एलुमिना की मशीन है, उसके अंदर आपके ओएनटी ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी की टेक्निक है, उसके अंदर आपके पास पैक बायो की टेक्निक है, उसके अंदर आपके पास रोश 454 की टेक्निक है, पायरो सीक्वेंसिंग है। तो देर आर मैनी मैनी सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू सीक्वेंस द होल जीनोम। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सारी टेक्निक्स हमने एक एक करके पढ़नी है, उनका प्रिंसिपल क्या है, उनकी मशीन कौन सी अवेलेबल है, वो मशीन काम कैसे करती है, उससे जो डाटा जनरेट होता है उसको डाटा को एनालाइज कैसे करना है, और अल्टीमेटली हमारा ये सारा काम करने का मकसद। मैं जीनोमिक्स को ये समझता हूँ और आज के लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जीनोमिक्स का सब्जेक्ट है क्या। किताबों में आप पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें हमने खपे हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये जीनोमिक्स की डेफिनेशन है। माइक्रोएरे भी एक टेक्निक है, फंक्शनल फैब्रिकेशन ऑफ द सीडीएनए माइक्रोएरे। ठीक है जी, एक के गुरु साहब मैंने किन किन टेक्निक्स का नाम लिया है जीनोमिक्स की जो आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। एक के गुरु साहब नहीं है, उमेर भाई आप बताएं। जी जी सर, मैं हूं सर। अच्छा, एक के गुरु साहब हैं,
मेरा नेट सर जी थोड़ा सा वो हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कुछ टेक्निक्स के नाम लिए हैं, आप रिपीट कर सकते हैं सर जी? मेरे नजर नहीं चढ़ रही सर। नहीं, मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, आप उनके नाम ले सकते हैं कि नहीं याद आ रही? नहीं याद आ रही सर जी उमेर भाई बताएं आप। अच्छा जी सलमान भाई आप बताएं। जी मामूर आप बताएं। सर आपने पहले जेनेटिक्स और जीनोमिक्स का डिफरेंस बताया, वेरी गुड वायरस सीक्वेंसिंग का बताया, होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग का बताया, और उसके अलावा आपने रोश का बताया। हाँ जी, कौन कौन सी मशीनों के मैं नाम लिए हैं? सलमान बोल रहा है, सलमान को जरा बोलने दे, फिर मैं मूर आपकी तरफ आता हूँ। रोश का बताया, लुमिना का बताया, नहीं इनसे पहले बताया, इनसे पहले एक मशीन का नाम लिया। सैंगर सीक्वेंसिंग और डायरेक्ट सीक्वेंसिंग आपको बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप प्लीज जरा मजीद नोट फरमाएं, जो लोग मेरे साथ हैं वो लिख लें, जो अभी सिर्फ जिनके नाम नजर आ रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं है वो बाद में यूट्यूब से सुन लेंगे, शायद किसी काम से उठे हों। आम तौर पर जीनोमिक्स के अंदर का जो कोर्स है उसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी जिससे हम शुरू होते हैं उसका नाम है सेंगर सीक्वेंसिंग, सेंगर टेक्नोलॉजी। सेंगर टेक्नोलॉजी की जो आज का लेटेस्ट मशीन है उसका नाम है जेनेटिक एनालाइजर 3137XL। और सेंगर की जो टेक्नोलॉजी है ये किसने अडॉप्ट की है, उस कंपनी का नाम है ABI, अप्लाइड बायोसिस्टम इनकॉर्पोरेशन। अप्लाइड बायोसिस्टम इनकॉर्पोरेशन ये कंपनी का नाम है, और जो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका नाम है सेंगर टेक्नोलॉजी, इसको सेंगर सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। और इस कंपनी ने अप्लाइड बायोसिस्टम कंपनी का नाम है जिसने एक टेक्नोलॉजी यूज की जिस टेक्नोलॉजी का नाम है सेंगर सीक्वेंसिंग, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो मशीन बनाई है उस मशीन का नाम है जेनेटिक एनालाइजर 3137XL, और इसके बेशुमार मॉडल्स हैं। 3031 भी था, उसके बाद 3031 था, उसके बाद और मॉडल आते हैं, और आजकल इनका मेरा ख्याल है 3137 के नाम से। XL। हसन आरिफ भाई जरा बताएं, क्या बताया मैंने, कंपनी कौन सी है, टेक्नोलॉजी कौन सी है, मशीन कौन सी है? सर मेरा ना नेट का इशू आ रहा है, मुझे सही आपकी सुनाई नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने सुना है और वो बताना चाह रहा है तो वो बता दें। मैं तो ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लिख रहे हैं 3137XL। चले ठीक है, कोई और बताना चाहे? टेक्निक है टेक्नोलॉजी है वो सेंगर सीक्वेंसिंग है, और जो मशीन है वो जेनेटिक एनालाइजर है 3137, ऐसे आपने नंबर बताया था, और जो कंपनी है वो ABI है, अप्लाइड बायोसिस्टम। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। तो ये जीनोमिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमने होल जीनोम सीक्वेंस करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, लेकिन बाय चांस ये जो पहली टेक्नोलॉजी है जो मैंने आपको जिक्र किया है ये होल जीनोम को सीक्वेंस नहीं करता। ठीक है सर, वो एक बुक जो है वो रिकमेंडेड बुक वो मिली है जीनोम वाली जी, वो तो हमें मिल गई, हमने डाउनलोड कर ली हुई है। जीनोम वाली नहीं की हमने डाउनलोड, नहीं कर ली हुई है, कर ली हुई है। हाँ जी मैंने कर ली है, मैं आपको आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, मैंने कर ली है जीनोम कर लिया, और मैंने और जीन मैनिपुलेशन वाली कर ली है, और फंक्शनल जीनोमिक्स वाली कर ली है, ये देखिए ये वाली। लेकिन ये किताब हमें सिर्फ एक टेक्निक का इंट्रोडक्शन देगी, सिर्फ एक टेक्निक का। इस पूरी किताब के अंदर सिर्फ माइक्रो एरे का जिक्र है, माइक्रो एरे का जी।
तो सर फर्स्ट वन भी तो है इंट्रोडक्शन टू प्रोटियोमिक देखे ना वो प्रोटियोमिक तो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं है सर लास्ट सेमेस्टर में भी तो हमने सीक्वेंसेस जो है वो एसेंशियल्स ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स से पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स की बुक से किया था हमने सही कह रहे हैं आप मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कोई और किताब जरा ना मोस्ट अभी तक हम दो किताबें देख चुके हैं और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि ये किताबें हमारे कोर्स पे फिट आती हम फोर्थ वाली बुक देखिएगा जरा मैं टॉपिक हम वही करेंगे जो आपके कोर्स आउटलाइन में है लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी किताब पढ़ी जाए जिसके अंदर मैक्सिमम मटेरियल हमारे कोर्स का हो ये ना हो कि एक किताब वो एक किताब वो एक किताब वो आपको पता हो यार पूरे सेमेस्टर के अंदर हमने ये किताब पढ़ी है और 60-70-80% हमारा कोर्स सारे के सारे इस किताब ये वाली जो किताब उन्होंने रिकमेंड की हुई है ये जीन मैनिपुलेशन और डीएनए क्लोनिंग के हवाले से अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली जो किताब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वाली इसके अंदर सिर्फ माइक्रोवेव इसके अलावा हसन आप क्या कह रहे हैं सर फोर्थ वाली बुक जो है फोर्थ वाली बुक जीनोम के नाम से एक सेकंड जरा जीनोम के नाम से वो मैंने अभी की है सर यहाँ पे जीनोम 3 के नाम से पढ़ी हुई है जी जीनोम 3 के नाम से पढ़ी हुई है तो सीनियर्स ने मेरी जीनोमिक्स जीनोम वाली पढ़ी थी लास्ट वाली जो फोर्थ बुक है टीए ब्राउन की जीनोम 3 जो है यस सर ये मैंने अभी डाउनलोड की है लेकिन वो पढ़ी हुई है सही कह रहे हैं ये जीनोम 3 के नाम से सर स्पेस है बीच में ये है ये किताब भी मुझे जरा जीनोम वाली और उसके बाद कौन सी थी हाँ ये किताब जरा मुझे ज्यादा अपील कर रही है अलबत्त ये दोनों कर लेते हैं अच्छा जी जीनोम 3 गो टू पीडीएफ वो मेरा गुम हो गया यार वो वाला अच्छा जी ये वाली कौन सी किताब है फंक्शनल जीनोमिक्स जेनेटिक्स एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स ये किताब भी देखी जा सकती है अच्छा जी ये नहीं है इसको मैं बंद करने लगा हूँ ये भी बंद करने लगा हूँ अब हम कंपैरिजन करने लगे हैं जरा जीनोम 3 का और ये वाली है बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स और ये फंक्शनल जीनोमिक्स जेनेटिक्स एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स जी बेटा अच्छा जी ये जो है ये किताब अबाउट टू
डाउनलोड है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये किताब आई है बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। सलमान भाई, अली नवाज भाई, वो किधर है? उजैर किधर है? वो नहीं, उजैर नहीं है। और तलहा, उसामा, यस सर, ये जरा पढ़ें, ये जो किताब है इसका जरा थोड़ा सा Part 1, Analyzing DNA, RNA, Proteins. Part 2, Genome-wide Analysis of the DNA, RNA, Proteins. Part 3, a Genome Analysis. पहला जो पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन है, एक्सेस टू सीक्वेंस डेटा एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट, एडवांस डेटाबेस रिसर्च इन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, मॉलिक्यूलर फाइलोजी एंड एवोल्यूशन। ये तो सारे का सारा पुराना कोर्स है आपका, ये तो सर पहले पढ़ा हुआ है बिल्कुल। ठीक है जी, पार्ट टू है डीएनए, द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, एनालिसिस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डेटा। ये देखें, ये जीनोमिक्स में आ गया टॉपिक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये आपका फाइलोजेनेटिक्स है और ये देखें जीनोम वाइड एनालिसिस के अंदर पहला टॉपिक ही वो आया है जो जहां से मेरे जेहन में है कि ये कोर्स स्टार्ट होना चाहिए। 9 नंबर पे एनालिसिस ऑफ द जीनोम, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा, बायोइनफॉर्मेटिक्स अप्रोचेस टू राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, प्रोटीन एनालिसिस ऑफ प्रोटियोम्स, उसके बाद जीनोम एनालिसिस, जीनोम अक्रॉस द ट्री ऑफ द लाइफ, कंप्लीटेड जीनोम्स, वायरसेस, कंप्लीटेड जीनोम बैक्टीरिया एंड आर्किया, ठीक है जी। तो इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री मेरा ख्याल है कि ये हमारे कोर्स के रिलेटेड है। ये नोट फरमा ले मामूर, पेज 377 से स्टार्ट करेंगे। नहीं, अभी नहीं, अभी एक किताब हमने और देखनी है। आज हम सिलेक्ट कर रहे हैं 3-4 किताबें देखते हैं, तो फिलहाल जो हमें अभी तक जो थोड़ी सी किताब पसंद आई है उस किताब का नाम है ये बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। इसका पार्ट वन तकरीबन आपने किया हुआ पिछला कोर्स में, पार्ट टू और पार्ट थ्री जो है वो देखा जा सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कि भाई सर इसमें से हमें ये चीज थोड़ी सी पसंद आई थी, बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। अच्छा जी, अब जरा अगली किताब की तरफ जाएं। सर वो डाउनलोड हो रही है? हाँ जी, वो डाउनलोड हो रही है। ये एक हो गई है, ये एक हो गई है, फंक्शनल जीनोमिक्स, जेनेटिक्स एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स। उसामा भाई जरा पढ़े हैं इस किताब में क्या है, आपको नजर आ रहा है? ये किताब तो रिसर्च पेपर है सारे। ये तो रिसर्च पेपर्स हैं सारे जी, आर्टिकल्स ही हैं इसमें तो। ये तो आर्टिकल्स हैं सारे। सर जीनोम वाली बुक में मेरे ख्याल है काफी कुछ कवर होगा। चलें उसको देखते हैं, जरा डाउनलोड होने दें। अच्छा, ये जो किताब है, ये किताब के अंदर उन्होंने, किताब नहीं है बल्कि ये वो पूरी की पूरी वो प्रोसीडिंग है, रिसर्चेस है। हाँ, रिसर्च है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, फंक्शनल जीनोमिक्स, जेनेटिक्स और बायोइनफॉर्मेटिक्स के। लेकिन ये कब की इन्होंने की हुई है, लंबी चौड़े पेपर इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। लेकिन सोर्स बहुत ऑथेंटिक है, बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल, 2015 की किताब है, वैसे बहुत पुरानी किताब नहीं है। मामूर ये पढ़े, फंक्शनल जीनोमिक्स, जेनेटिक्स एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स। दूसरा पेपर है एवोल्यूशनरी पैटर्न एंड रेगुलेशन एनालिसिस टू सपोर्ट व्हाई डाइवर्सिटी फंक्शन एग्जिस्ट विद इन पीपीएआर जीन, पीपीएआर जीन फैमिली मेंबर, द प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया जीन। सर आपने आगे कर दिया, चले मुझे जरा इसका अंदाजा हो गया। हाँ पढ़े जरा इसको, सॉरी। हाँ ये जरा पेपर ऊपर से नोवल अप्रोच से। हाँ जी, ये जी एवोल्यूशनरी पैटर्न से। एक सेकंड सर,
functional genomics, genetics and bioinformatics, evolutionary pattern and regulation analysis to support why diversity functions exist within PPAR gene family member. Plant growth promoting as a shaped singular spectrum analysis for quantifying, for gene, quantifying expression. Gene expression with application of the early Drosophila embryo. Effect of cholesterol on growth inhibitor prostate cancer cell through the regulation of HRG channel. The expression and distribution of ANP32A in the developing brain, protecting intestinal epithelial cell number 6 against fission neutron radiation through NF-kappa-B signaling path. Human umbilical cord, mesenchyma stem cell. Infected with adenovirus expression HFG, HGF promotes relationship between CCR and NT-proBNF in China HF patients and their correlation with severity of HF. Characterization of putative cis regulatory element in gene potentially expression in Arabidopsis. Male meiosis. A genome wide identification of gene undergoing recombination and positive selection in Nigeria. अच्छा ये जो किताब है रिसर्च आर्टिकल्स हैं मेरे हिसाब से नॉट सूटेबल. चलें जी ये जीनोम 3 देखते हैं. इसमें अभी डाउनलोड होने में 2 मिनट. ये जीनोम 3 जो है ना ये टीए ब्राउन की तो नहीं लिखी हुई. टीए ब्राउन की है सर. टीए ब्राउन की है. टीए ब्राउन की है सर. टीए ब्राउन की है. इसको मैं बंद कर रहा हूँ. इसको भी बंद कर रहा हूँ. ये भी बंद कर रहा हूँ. ये देख ली हमने ये वाली किताब बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स. ये भाई जहां से एक किताब मुझे नजर आई है ये क्या कह रहा है गाइड बुक. ये एनी हो इसको मैं देखता हूँ थोड़ा सा. अच्छा जी ये जीनोम 3 जो है 10 seconds. हाँ जी अच्छा जी ये किताब हसन भाई जरा पढ़े. हाँ ये टीए ब्राउन की है ना. इसकी बहुत सारी किताबें और भी हैं. कोर्स आउटलाइन क्या में चलेगी इसकी. हाँ जी ये यहाँ पर है सर. जी हसन आरिफ भाई. हसन आरिफ भाई पढ़ें सर. पार्ट वन है स्टडिंग जीनोम्स. चैप्टर वन है जीनोम्स ट्रांसक्रिप्टोम्स एंड प्रोटियोम्स. चैप्टर टू है स्टडिंग डीएनए. चैप्टर थ्री है मैपिंग जीनोम. चैप्टर फोर है सीक्वेंसिंग जीनोम्स. चैप्टर फाइव है अंडरस्टैंडिंग अ जीनोम सीक्वेंस. चैप्टर सिक्स है अंडरस्टैंडिंग हाउ अ जीनोम फंक्शंस. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत जबरदस्त ये टॉपिक्स हैं. आगे चलें. पार्ट टू है जीनोम एनाटॉमीज. एनाटॉमी चैप्टर सेवन है. चैप्टर सेवन है यूकैरियोटिक न्यूक्लियर जीनोम्स. चैप्टर एट है जीनोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनेली. चैप्टर नाइन है वायरस जीनोम एंड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स. ठीक है. पार्ट थ्री है हाउ जीनोम फंक्शन.
चैप्टर 10 है एक्सेसिंग द जीनोम, चैप्टर 11 है असेंबली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, चैप्टर 12 है सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, चैप्टर 13 है सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटियोम्स, चैप्टर 14 है रेगुलेशन ऑफ जीनोम एक्टिविटी, पार्ट 4 है हाउ जीनोम रेप्लिकेट्स एंड इवॉल्व, चैप्टर 15 है जीनोम रेप्लिकेशन, चैप्टर 16 है म्यूटेशन एंड डीएनए रिपेयर, चैप्टर 17 है रिकॉम्बिनेशन, चैप्टर 18 है हाउ जीनोम इवॉल्व, चैप्टर 19 है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। मेरे ख्याल से ये किताब भी हमें सूट कर रही है। जी सर। तो ये इसका मतलब है कि ये जीनोम और दूसरी कौन सी थी मामूर भाई? बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जेनेटिक्स। नहीं, फंक्शनल जेनेटिक्स थी, क्या थी? फंक्शनल जीनोमिक्स। ये मैं दोनों किताबें आपके फोल्डर में रखने लगा हूँ, डाउनलोड में पढ़ी होंगी। एक है जीनोम 3 और दूसरी कौन सी है? बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। क्यों जी, यही है जी? यस सर, बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। यस सर, यही है। ये दोनों किताबें मैं आपके फोल्डर में रखने लगा हूँ जीनोमिक्स के अंदर। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये जीनोम 3 और ये किताब, इसका पार्ट 2। ठीक है। अच्छा जी, ये जो किताब है, इस किताब के चैप्टर नंबर 8 से हम स्टार्ट लें या के, मुझे भी सोचने दें यार जरा के, या इससे स्टार्ट लें, आप क्या कहते हैं? जीनोम 3, जीनोम 3 को स्टार्ट लें। जीनोम 3 किससे स्टार्ट लें? यस सर, जीनोम 3 से ले लेते हैं स्टार्ट। उसका चैप्टर 1 जो है प्रोटियोम, जीनोम प्रोटियोम, प्रोटियोम ट्रांसक्रिप्टोम एंड प्रोटियोम। चलें, इसी बहाने आपके दोनों कोर्सेज की तैयारी होती जाएगी। अच्छा जी, ये जो हमारा दूसरा सेशन है वो 1 मिनट से कम रह गया, तो ये शायद डिसकनेक्ट हो जाए और फिर दोबारा हमें कनेक्ट होना पड़े। जी सर। ठीक है जी, तो ये दोबारा हम कनेक्ट होंगे फिर। सर, आपने तो कहा था कि आज की क्लास 2 आवर्स की नहीं होगी। चलें, थोड़ा सा टाइम बेटा और दे दें। ठीक है सर, कल कनेक्ट कर लें। रिकनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वो आगे चले जाएंगे। मेरे जहन में है कि आप सुबह से चल रहे हैं।